ऑनलाइन क्लास में आज का क्लास जो है कमीज का स्टिचिंग, जो पिछले क्लास में हम दिखाए थे मस्टर्ड पैटर्न से मार्कर पैटर्न बना के कैसा करके वो कपड़ा काटिंग करना है, तो वो शायद सब देख लिए और अच्छा से समझे। तो आज वही जो काटिंग किए थे वो कमीज हम आज सिलाई करके वो प्रोसेस दिखाएंगे, तो वो देखो। आज ये पट्टी काटिंग करके हम दिखाए थे, तो ये पट्टी कैसे करके सिलाई करना है वो देख लो। ये दो पट्टी है, तो दोनों पट्टी ऐसा ए भी सीधा है और ये अंदर ए सीधा है, तो इसको सीधा से सीधा बैठाना है। तो कैसे करके बैठाएंगे तो देखो, सीधा से सीधा बैठाना है। इधर भी उल्टा है, बाहर भी उल्टा है, दोनों बाहर उल्टा है और सीधा दोनों अंदर है, और सिलाई इधर होगा तो सिलाई भी बाहर आ जाएगा उल्टा में। तो हम ऐसा करके इसको सिलाई करेंगे। देखो दो कोना ऐसा करके थोड़ा थोड़ा बाहर, नीचे का थोड़ा बाहर निकल गए, ऊपर का थोड़ा बाहर निकल गए, और एक कोना कोना मिलाना है, मिला के ये सिलाई करना है। देख बड़ा बड़ा गया, थोड़ा कोना कोना बाहर निकाल दोगे तो ये सीधा आ जाएगा, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। तो अभी तो ये जो जोड़ने का देखो प्रोसेस जैसा दिखाए वो ऐसा करके सारे पट्टी जो हम काटिंग किए थे वो सारे पट्टी हम जोड़ दिए। इसको हम अभी काट के सब सीधा कर लेंगे। तो ये है बैक पार्ट, तो बैक पार्ट का हम पट्टी ऐसा करके काटिंग किए थे। देखो बैक पार्ट का गला हल्का सा छोटा है, सामना का थोड़ा ज़्यादा था। तो ये कैसे करके बैठाना है ये पट्टी, तो देखो ये सीधा है और अंदर में उल्टा है, तो पट्टी भी सीधा में सीधा बैठेगा और उल्टा बाहर जाएगा, ऐसा करके हम बैठाएंगे। तो बाहर भी उल्टा है, इधर का बाहर भी उल्टा है, और दोनों सीधा एक साथ है, और सिलाई होगा वो भी बाहर में आ जाएगा। तो ऐसा करके हम इसको सिलाई करेंगे। कितना हम तो आधा इंच करके सब रखे थे, तो आधा इंच जैसा ही पकड़ के सिलाई करना है। शुरू में लॉक करना है, नहीं तो खुल जाएगा, ये ध्यान में रखना है। शुरू में लॉक करना है, क्योंकि हम लोग सिखाते हैं जब भी कोई चीज़ सिलाई करना है तो शुरू में और लास्ट में बैक टेप से लॉक होता है, और ये जैसा कार्व है इसीलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके घुमा घुमा के करना है, एक साथ खींच के करोगे तो बैठेगा नहीं, खराब भी हो सकते हैं। तो देखो ये हम बैठा दिए, अभी इसको ऐसा करके पलटना है। तो उसके पहले क्या करना है, ये जो कार है हिस्सा तो उधर थोड़ा थोड़ा नोच देना है, ऐसा ऐसा करके नोच देना है, क्योंकि नोच देने से वो आसानी से बैठ जाता है और फिनिशिंग भी अच्छा आता है। इसको अभी हम पलटाएंगे, जैसा हम लोग फ्रेम सीन सिखाए थे। तो देखो ये जब भी
पलटी करके इधर आ गया तो इधर क्या हो गया, फ्रेंच सीम जैसा बन गया। तो फ्रेंच सीम कैसा बोलते हैं हम लोग, दोनों बराबर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो दिखने में ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको एकदम बराबर करके ऐसा करके बैठा देना है। तो इसको हम ऐसा करके बैठा दिए, तो देखो बैठ गया। अभी जब शोल्डर जोड़ देंगे उसके बाद में हम बोलेंगे एक क्या होगा, वो उसमें हेम भी कर सकते हैं और मशीन में भी ये बैठा सकते हैं। तो हम अभी फोन का गला बैठाएंगे, जैसा करके बैक पार्ट का गला बैठाए थे गले में पट्टी, फ्रंट पार्ट में भी हम गला का पट्टी ऐसा करके ही पकड़ के बैठाएंगे। देखो सीधा में सीधा बैठेगा और दोनों उल्टा, दोनों साइड बाहर ऐसे करके हम करके शुरू में लॉक ऐसा करके पूरा गला पट्टी ऐसा करके बैठाना है। ऐसा करके वो नॉच दिए, इसको भी ऐसा करके नॉच देना है, सेफ है इसलिए नॉच देना ज़रूरी है। तो बैक में जैसा करके उसको पलटी करना है, उसको भी ऐसा करके बराबर इसको करके ऐसा करके लगा देना है। अभी हम दो शोल्डर जोड़ देंगे, उसके बाद गला का पट्टी हो गया। अभी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट मिला के हम दो शोल्डर जोड़ेंगे। देखो ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का दो शोल्डर, तो ये शोल्डर हम एक साथ पकड़ के सिलाई करेंगे, लेकिन ये जो हम दो पट्टी अलग अलग जोड़े थे, ये जो पट्टी का जोड़ने वाला जो निशान है, ये और ये दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, ये दोनों सेम टू सेम रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम इसको ऐसा करके पलट देंगे और इसको भी ऐसा ऊपर चढ़ा देंगे। चढ़ा के हम ये भी दोनों एकदम देखो मिला दिए, फिर हम इसको सिलाई करेंगे। याद रखना है ये दोनों सेम टू सेम होना चाहिए, फिर इसको ऐसा करके सिलाई करना है। शुरू में बैक टेक देना है और ऐसे करके लास्ट में भी बैक टेक देना है। तो देखो हम शोल्डर को जोड़ दिए। अभी शोल्डर जोड़ने का बाद इसको देखो, जब भी तुम पलटी करोगे तो एकदम इधर फिनिशिंग आ जाएगा और ये बैठ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन में भी सिलाई कर सकते हैं इसको, और हाथ में हेमिंग भी कर सकते हैं जैसा हम बोले पहले भी। तो ये शोल्डर हो गया, अभी हम साइड सीम जोड़ देंगे। तो देखो अभी जो साइड सीम हम जोड़ेंगे, तो उसके पहले क्या करना है, साइड सीम जोड़ने का पहले ये जो ये तो शॉर्ट कमीज है, तो थोड़ा सा हल्का खुला रहेगा, चाक बनेगा, तो हम पूरा नीचे से 4 इंच ऊपर करके इसको हम नॉच दे दिए। देखो 4 पार्ट एक साथ, मतलब ये जो फोल्ड कर दिए हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, इसलिए 4 पार्ट में इसलिए एक साथ हम नॉच दे दिए। अभी इसको हम साइड सीम इतना तक ही नॉच तक जोड़ देंगे।
आधा इंच पकड़े, बोले थे कटिंग करने का समय, इधर कपड़ा कम था इसलिए हम आधा इंच ही रखे। तुम लोग एक इंच से ज़्यादा भी साइड में कपड़ा रख सकते हो। और ये जैसा सेब है वैसा सेब हिसाब से ही ये पूरा जोड़ना है, मनमर्जी से सीधा चलाना नहीं है तो सेब नहीं आएगा। तो याद रखना है ये जो कपड़ा जैसा करके काटिंग किया रेडी पैटर्न से, मार्कर पैटर्न जैसा हुआ था वही पैटर्न का हिसाब से ही जितना कपड़ा रखे वही पैटर्न हिसाब से सिलाई करना है। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखोगे वो तुम्हारा एक्स्ट्रा रहेगा, वो कभी कभी छोटा बड़ा हो सकते हैं, इसलिए उतना तक सिलाई करना है। तो देखो ये जो हम नॉच दिए यही नॉच तक ही इसको बैक टेक देना है, मतलब लॉक करना है। तो हम लॉक कर दिए, लॉक करके इसको हम निकाल दिए। अभी दूसरा साइड भी ऐसा करके हम सिलाई करेंगे। तो अभी देखो साइड दोनों साइड तो हो गया जोड़ना, अभी इसको नीचे का हेमिन या चाक एक साथ बनेगा, कैसे जो भी एक साइड से हम पकड़ के सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो ये दो फोल्ड करना है, तो ये हम दो फोल्ड कर दिए, हम थोड़ा पतला फोल्ड किए, तुम लोग कपड़ा ज़्यादा रखोगे तो थोड़ा और चौड़ा फोल्ड कर सकते हैं। देखो ये जो इधर चाक जिधर बनेगा तो ये देखो दोनों साइड ऐसा करके फैला देना है और इसको ऐसा फोल्ड करना है और इतना तक जितना लॉक था उतना तक ये सिलाई को लाना है और इसको एकदम मिडिल को अंदर रख के अभी इसको घुमाना है, घुमा के इधर का भी फोल्ड करना है तो वो भी डबल फोल्ड करना है। तो ऐसा करके डबल फोल्ड करके अभी इसको थोड़ा थोड़ा बस ऐसा जाना है, अभी इसको घुमाना है ऐसा करके और ये डबल फोल्ड करके इसको नीचे लाना है। तो देखो इधर का देखो चाक बिल्कुल बैठ गया, अभी नीचे का हेमिंग जो करना है वो भी डबल फोल्ड करना है, तो वो भी ऐसा करके फोल्ड करना है। फोल्ड करके एकदम किनारा में बस अभी इसको घुमाना है, निडिल को अंदर रख के कपड़ा को घुमाना है, घुमा के ये डबल फोल्ड करके ऐसा करके हमको दोनों साइड करना है। तो देखो इधर का देखो बैठ गया, अभी ऐसा करके इधर से नीचे का पूरा इस साइड का भी चाक ऐसा ही बनेगा, दोनों को ऐसे फैलाना है और इसको भी डबल फोल्ड करना है। जब भी कपड़ा घुमाना है निडिल को कपड़े के अंदर घुसा के रखना है, नहीं तो वो स्टिच का जो एकदम सही प्रोसेस है वो हट जाएगा। तो ऐसा करके इसको घुमाना है। ये जो स्टाइप है एक इसको मिला मिला के बैठाना है और ज़्यादा खींचोगे तो वो इधर उधर टेढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए ऊपर का कपड़ा बिल्कुल भी
खींचना नहीं है, स्टाइप से स्टाइप मिला के बैठाना है। और ये लास्ट में एकदम इसको ऐसे करके और ख़त्म करना है। और ख़त्म करने का समय भी क्या करना है, बैक के देना है। तो ये हमारा नीचे का हेमिंग भी ख़त्म हो गया। अभी इसको हम तो पलटी करके दिखा देंगे तो कैसा लगेगा। देखो नीचे का चाक बन गया, ऐसा देखो चाक बन गया, नीचे का हेमिंग हो गया और साइड सिम जोड़ गया, इसको कंप्लीट हो गया। इधर अभी सिर्फ स्लीव कटिंग करके हम स्लीव बैठाएंगे, वो भी अभी दिखाएंगे। और इसको तो हम बोले ये हेमिंग करना है, मशीन में भी होता है या हाथ से भी हेमिंग होता है, तो अभी स्लीव दिखाएंगे। देखो ये जो कमीज अभी स्लीव तो बनाना है, तो स्लीव का पैटर्न हम दिखा रहे हैं। तो ये जो स्लीव कैसे बनेगा, ये जो आर्महोल, ये आर्महोल का जितना डेप्थ है वो डेप्थ उसका नाप लेके ही हम स्लीव का पैटर्न दिखाएंगे। तो वो स्लीव का पैटर्न देखो हम दिखा रहे हैं, ये देखो ये जो है पूरा हम ड्रॉ कर लिए, तो अभी हम समझा दे रहे हैं। इधर देखो पूरा चार्ट में जो लिखा हुआ वो बिल्कुल ए ड्रॉ डॉक्टरिन के हिसाब से ए चार्ट में पूरा लिखा हुआ। तो इधर देखो जैसा 0 to 1 ये क्या है, फुल लेंथ। तो फुल लेंथ स्लिप का कहाँ से कहाँ, 0 to 1। तो ये जो है 0 से लेके 1 तक ये है स्लिप का फुल लेंथ। तो ए फुल लेंथ हो गया, 0 to 2 स्क्वायर आउट, 0 to 2 स्क्वायर आउट कहाँ से किया, ए दी को इधर से चौड़ाई स्लिप का लंबाई तो लेंथ हो गया, अभी चौड़ाई जो है वो 0 to 2 हम इधर स्क्वायर आउट कर दिए। देखा आर्महोल डेप्थ के लिए हाँ है। और 0 to 3 वो हाफ ऑफ, 0 to 2 देखो 0 to 3 ये जो 0 to 3 0 to 2 इसका जितना हाफ आएगा उससे हाफ इंच या 1/4 इंच इधर थोड़ा एक्स्ट्रा करके यही 0 to 3 इधर आया। फिर 0 to 4 स्क्वायर आउट करना है, 0 to 2 जैसा ऊपर था देखो 0 to 2 जितना है, तो 3 to 4 उतना ही नाफ है, 0 to 2 जितना नाफ है वो नाफ इधर लिया हुआ डेप्थ के लिए। तो स्क्वायर आउट उधर कर लिए। अभी 1 to 5 कहाँ से 1 to 5 ये देखो 1 to 5 एक किसके लिए, बटम के लिए। तो 0 to 5 हाफ ऑफ स्लीव वो हेमिंग के लिए, और थोड़ा 100 इंच इसके साथ एज ले लिए, ये है एज के लिए, ठीक है। तो 0 to 5 हो गया। अभी इसको ज्वाइन करना है कहाँ, किसके साथ किसको, 4 to 5 4 कहाँ, ये देखो इधर 4 है पॉइंट, ये 4 पॉइंट से 5 पॉइंट इसको हम ज्वाइन कर दिए। ये ज्वाइन स्टेट स्केल से नहीं करना है, थोड़ा जो हिप कर्व या सेप स्केल होता है उस स्केल से ये हम सेप दे दिए। तुम्हारे पास नहीं होगा तो वो तुम थोड़ा हल्का सा सेप हाथ से भी दे सकते हो। तो ये जॉइंट हो गया।
अभी देखो ड्रॉ लाइन 0 to 4, वो क्या है 0 to 4 कहाँ है, ये जो 0 to 4 इसको ज्वाइन करना है। ए किसके लिए, ए क्रॉस आर्महोल के लिए, क्योंकि ए शेप इधर से शेप देना है, तो ए लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तो वो शेप ठीक से नहीं दे पाओगे, तो इसीलिए 0 to 4 इसको ज्वाइन करना है ड्रॉ लाइन, ठीक है। अभी ये जो हम 0 to 4 जो लाइन ड्रॉ कर लिए, उसके बाद देखो 0 to 4 by 3 पार्ट में उसको डिवाइड करना है ए बी करके। देखो इधर जो हम ए जो पूरा जितना नाप आएगा उसका 3 हिस्सा में हम डिवाइड कर लिए, तो 3 हिस्सा का 1 2 3 हिस्सा, तो इसका 0 नाप है, इसका 4 नाप है, तो बीच में हमको 2 पॉइंट मिला, उसको हम ए और बी पॉइंट आउट कर दिए। फिर आया देखो बी टू सी 1 inch एंड बी टू डी 1/2 inch स्क्वायर आउट आप किए। तो देखो ये जो है बी टू सी हम 1 inch ऊपर किए और बी टू डी 1/2 inch ऊपर किए, क्योंकि हम लोग पहले जो पैटर्न दिखाए थे ड्रॉ करके, वो आर्महोल का शेप जो बनता है बैक के लिए और फ्रंट के लिए अलग अलग होता है, बैक के लिए जैसा होता है और फ्रंट का उसके थोड़ा अंदर शेप होता है, तो इसीलिए ए हो गया हम लोगों का बैक के लिए आर्महोल शेप और ये अंदर का है, ये है फ्रंट के लिए शेप। तो इधर देखो लिखा हुआ 0 to 6 1 inch स्क्वायर आउट, देखो 0 to 6 1 inch स्क्वायर आउट, ए क्यों स्क्वायर आउट कर दिए, क्योंकि ए जो शेप देना है तो ए शेप इधर से अनफोल्ड से पहले थोड़ा 1 inch सीधा जाता है, तब जाके इधर से शेप नीचे में घूमता है, इसीलिए ये 0 to 6 1 inch हम लोग स्क्वायर आउट कर दिए। फिर ज्वाइन करना है किसके साथ, 0 to 6 2D to 4, तो 0 to 6 हम इसको तो ज्वाइन कर लिए, फिर 6 से सी, सी से 4, ए बैक के लिए जॉइंट हो गया। ये जो फ्रेंच का स्केल बैठा के हम लोग ज्वाइन करते हैं, देखो ए स्टेल ऊपर ऐसा, इसको घुमा के इसको ऐसा करके पॉइंट के साथ पॉइंट ऐसा मिलाना है और सीता, फिर इसको पलटी करना है, पलटी करके इसको ऐसा करके सी से 4 इसको मिलाना है, तो ए ऐसा करके फ्रेंच कर्व से ए शेप मिल जाएगा। तो ये तो बैक बन गया, अभी फ्रंट के लिए कहाँ देखो 0 to 6 2D to 4 कहाँ है, देखो ए 0 to 6 6 to D D to 4 ए फ्रंट के लिए मिल गया, तो ए भी ठीक वही प्रोसेस ऐसा करके फ्रेंच का बैठाना है, बैठा के इसको शेप देना है और ये भी इधर उल्टा करके इसको भी ऐसा करके मिलाना है, तो 2 आर्महोल का जो बैक और फ्रंट उसका शेप मिल गया। फिर देखो टेक 1/4, देखो हेमिंग के लिए ए 1 inch एक्स्ट्रा लेना है, जो जितना हम लेंथ लिए थे तो लेंथ के साथ हम इधर बटन में 1 inch हेमिंग के लिए एक्स्ट्रा ले लिए, और इस साइड का जो एक्स्ट्रा 1/2 inch करके हम ड्रॉ कर दिए, क्योंकि पहला पैटर्न का जो मास्टर पैटर्न से मार्कर पैटर्न दिखाए थे
वो कैसा करके बनाना है तो दिखा दिए, तो ये स्लीप का हम अलग से और नहीं दिखाए, तो इसी में ही हम ड्रॉ कर दिए। तो रेडी नाप जो है ये तो अंदर का है, और सीम अलाउंस के लिए जो सिलाई के लिए कपड़ा में एक्स्ट्रा रखोगे तो वो आधा इंच करके एक्स्ट्रा दे दिए, और नीचे का एक इंच एक्स्ट्रा दे दिए। और इधर का जो है वो है ऑन फोल्ड वाला हिस्सा है, तो इधर तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है, इधर से ही पूरा कट जाएगा पैटर्न। तो स्लिप का पैटर्न बन गया। अभी कपड़ा जब कटिंग करना है तो ये जो लंबाई है स्लिप का, तो ये जो ग्रेन लाइन ऐसा रहेगा, लंबाई में ग्रेन लाइन रहेगा। तो अभी हम कपड़ा भी दिखा देते हैं। ये जो पैटर्न रेडी पैटर्न के हिसाब से नहीं, देखो हम बाहर से जो एक्स्ट्रा करके लाइन दिए थे वही हिसाब से हम पैटर्न को काटिंग कर लिए, और वही काटिंग के हिसाब से हम कपड़ा भी काटिंग कर लिए। और इधर ऑन फोल्ड तो कपड़ा भी फोल्ड है, तो हम खोलेंगे तो देखो स्लीप आ गया, दो स्लीप देखो, दो पार्ट, चार फोल्ड किए, चार फोल्ड करके ही हम किए। और ये देखो हम फ्रंट के लिए जो उधर दिखाए थे ना पैटर्न में, ये जो बैक पार्ट के आर्म होल और फ्रंट पार्ट के, तो ये शेप दे दिए फ्रंट पार्ट के लिए, इधर इधर का बैक पार्ट के लिए और इधर का फ्रंट के लिए। तो देखो स्लीव हो गया, अभी सिलाई करके जोड़ देंगे। देखो ये जो है दाहिना हाथ का है और ये बायां हाथ का, कैसे मालूम होगा? ये देखो ये जो डीप वाला कटिंग है ये तो फ्रंट में जाएगा, तो इसीलिए ये दाहिना हाथ का है, और ये डीप वाला ऊपर है तो ये बायां हाथ का है। तो इसको हम पहले हेमिंग कर लेंगे नीचे को, बटन को, तो बटन को हम हेमिंग करेंगे कैसा, पहले एक फोल्ड फिर दूसरा फोल्ड करके हेमिंग करना है। तो हेमिंग करने का समय शुरू में बैक टेक देना है, फिर स्ट्राइप के साथ स्ट्राइप मिला के सिलाई पूरा करना है। लास्ट में भी बैक टेप देके निकालना है। हेमिंग हो गया, अभी हम स्लीव का साइड जोड़ देंगे। तो इस साइड जोड़ने का जितना कपड़ा रख के कटिंग किए तो उतना ही रख के सिलाई कर देंगे, मतलब आधा इंच जो रखे थे आधा इंच पकड़ के ही हम जोड़ देंगे। और नीचे का कपड़ा भी देखना चाहिए, क्योंकि नीचे का कपड़ा और ऊपर का दोनों बराबर होना चाहिए, और इधर भी नीचे दोनों समान करके पकड़ के हम तो पूरा नाप से ही बटन को रखे थे। तुम लोग ज़्यादा और भी रखोगे तो इंच टेप से वो जो बटन का जो जितना गुलाई है उसको आधा करके उसको चौक से या कोई किसी को मार्क लगा के वहीं तक सिलाई जोड़ोगे, और बैक टेक भी देना है। तो देखो ये आस्तीन रेडी हो गया, और ये रेडी करने का बाद इधर ऐसा करके बीच में नॉच देना है, क्योंकि ए जॉइंट के साथ ए जॉइंट मिलेगा, तो ए मिलाना है। तो जब सिलाई करने का समय ऊपर आएगा तो शोल्डर के साथ ए मिलेगा नॉच के साथ, तो हमारा स्लीव सही से बैठेगा, और नॉच नहीं लगाओगे तो तुम्हारा स्लीव घूमने का चांसेस है। तो अभी इसको सेट कैसे करना है, ये तो उल्टा है, बाहर की तरफ उल्टा है, अंदर की तरफ सीधा है, तो हम इसलिए स्लीव को भी सीधा कर लिए, और इसको हम घुसा देंगे। इधर घुसाने के बाद ये जो देखो ये उल्टा है बाहर की अंदर में, तो ए उल्टा में आ जाएगा, बाहर उल्टा, और सीधा के साथ सीधा ए
बैठ जाएगा ऐसा करके पकड़ के। और ये जो जोड़ है साइड सीम का जोड़ और स्लिप का जो साइड का जोड़ वो दोनों को मिलाना है, ऐसा करके मिला के फिर सिलाई शुरू करना है। आधा इंच जैसा रखे थे वही हिसाब से पकड़ के सिलाई शुरू करना है। लॉक दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि वो घूम के पूरा वो सिलाई के ऊपर थोड़ा ज़्यादा करके निकालोगे तो लॉक हो जाएगा उस टाइम। और ये थोड़ा थोड़ा करके ही घुमा घुमा के बैठाना है और कोई कपड़ा खींचना नहीं है। थोड़ा नीचे का जो है वो थोड़ा तुम खींच सकते हो, लेकिन ऊपर का तो बिल्कुल भी नहीं आस्तीन का, क्योंकि नीचे का कपड़ा फीडबैक ज़्यादा खींचते हैं, इसलिए इसको थोड़ा तुम खींच के रख सकते हो। देखो थोड़ा बाकी है तो उससे पहले ही हमको देख लेना है कि ये जो नॉच दिए थे हम, ये नॉच और ये जो शोल्डर जॉइन उसको हम मिला लेंगे, देख लेंगे और ये मिला लेंगे। तो हाँ देखो ठीक है सही है, तो इसको अभी चलाना है। देखो इधर भी सेट हो गया, तो इसको ऐसा करके अभी निश्चिंत में पूरा दे देना है सिलाई। देखो हम बोले वो जो शुरू किए थे तो उसके ऊपर हम चढ़ सकते हैं। और डबल देना चाहते हो तो डबल भी चला सकते हो। आस्तीन लगा दिए तो ये कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं कैसे करके आस्तीन लगाए, समझा दिए तो कंप्लीट हो गया। अभी ये जो इसका जो प्रोसेस जैसा करके बताए दिखाएं, तो अभी वो पैटर्न के ले शुरू करके और कपड़ा कटिंग से और स्टिचिंग तक पूरा वीडियो कंप्लीट है। तो इसको देखो वीडियो को और इसको प्रैक्टिस करो सही से। थैंक यू।